यहाँ पे देखिए माँ भी आ गई पीछे पीछे, आते ही मुझे बोल रहे भाभी कितना मोटी हो गई है, कहाँ दिखाओ कितना दुबले हुए हैं। तो घर में बंटवारा हुआ ना, सुहाना को पसंद है। माखन का प्रसाद सबको दिया जा रहा था, तो चार दिन और है। नमस्ते फैमिली, प्रणाम, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और स्वागत है आप सभी को हमारे एक और प्यारा सा ब्लॉग में। तो अभी ये सुबह का टाइम, हम लोग नहा धो के घर पे पूजा कर लिए हैं। आप लोग देखे यहाँ पे, हम आप लोग को दिखाए अपना घर का पूजा, और यहाँ पे सारे कुछ हम तैयार कर लिए हैं मंदिर जाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे लगा है महाविष्णु यज्ञ। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि सुहाना के पापा योगा कर रहे थे और साथ में बजा रहे थे म्यूजिक। फिर हम उसके बाद गए मंदिर, और मंदिर में भी सॉन्ग बज रहा था भगवान जी का, तो वहाँ पर भी हम लोग नहीं मतलब ब्लॉग में बोल सकते, इसलिए यहाँ पर वॉइस ओवर हो रहा है। और अभी हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, और मंदिर पहुंचते ही पूजा करने से पहले यहाँ पे भगवान श्री विष्णु जी का जो यज्ञ हो रहा है उसका हम चार मंडप का चारों ओर किए परिक्रमा। यहाँ पे 5 बार 11 बार 108 बार 1008 बार जिससे जितना हो पाए उतना करते हैं परिक्रमा। तो यहाँ पे हम लोग पहले परिक्रमा कर रहे हैं पूजा, और क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं धूप से पता चल रहा होगा, 8:30 या 9 बज चुका था। तो यहाँ पे पूजा ऑलरेडी शुरू हो चुका था, जो अंदर में मंडप के अंदर पूजा है, कपल लोग मतलब कपल कपल में जैसे दोनों जोड़ी में बैठ के पूजा कर रहे थे, वो शुरू हो चुका था। तो हम लोग को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिला, तो हम लोग बाहर से ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो हर जगह है, हर जगह ही। तो हम लोग सोचे कि हम बाहर से ही पूजा कर लेते, वेट करेंगे तो 11:30-12 बजे तक होगा, तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, पूजा का टाइम जो है निकल जाएगा। तो हम लोग बाहर से ही पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पर सुहाना को देखिए साथ में, सुहाना को पूजा करने में कितनी इंटरेस्ट है, मतलब डेली सुहाना बोलती है मम्मा मुझे फूल ला दो मैं पूजा करूंगी। सुहाना को पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है, और ये देख के हमें बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी छोटी सी ही पूजा में मतलब धर्म में भगवान में देवी देवता में इंटरेस्ट रखती है, तो हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सुहाना भी जिद कर रही थी पूजा करने के लिए, तो मैं बोली कि लो बेटा हम लोग साथ में कर लेते हैं। और ये देखिए ये मंडप के अंदर है महाविष्णु जी, हमारे भगवान जी। तो यहाँ पे मुझे एक सवाल मन में आ रहा था कि जब यहाँ पे विष्णु यज्ञ है तो साथ में लक्ष्मी जी क्यों नहीं है? तो अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और नहीं पता हो तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आज जब जाएंगे हम अभी जा रहे हैं पूजा करने, तो वहाँ पर पंडित जी से पूछेंगे कि विष्णु यज्ञ है तो लक्ष्मी जी का मूर्ति क्यों नहीं बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग विष्णु जी का पूजा कर लिए, कलश जी का पूजा कर लिए मंडप के पास, और जहाँ पे प्रवचन होता है शाम के समय वहाँ पे है राधे कृष्ण जी का मूर्ति बनाया हुआ। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा है ये मूर्ति राधे कृष्ण जी का। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ गए पूजा करने के लिए, और साथ में यहाँ पे माँ भी आई थी, भांजी है, सुहाना, मैं, भुंटी, भुंटी की मम्मी, और यहाँ पे हमारे एक नए रेंटर है तो वो दीदी भी थी, उनका 2 लड़का, सुहाना के पापा, सारे लोग हम गए हैं साथ में पूजा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जल अर्पित कर दिए और साथ में फूल भी चढ़ा दिए। यहाँ पे देखिए माँ भी आ गई पीछे पीछे, और सुहाना के पापा वीडियो बना रहे हैं। संपन्न हो गया महाविष्णु जी का भी, राधे कृष्ण जी का भी, सारा पूजा हम कर लिए, और सुहाना के पापा को अभी सारे लोग को हम जितने भी वहाँ पे बच्चे लोग बड़े लोग मतलब जो भी हो जितना को हम टीका लगा पाए उतने लोगों के भगवान के भगवान श्री कृष्ण राधे जी के राधे कृष्ण जी के चरण से हम टीका निकाल करके टीका लगाएंगे। देखिए यहाँ पर भुंटी को टीका लगा दिए और सुहाना को भी लगा दिए, अभी सुहाना पापा को लगाएंगे। सुहाना के पापा पीछे से देखिए वीडियो बना रहे हैं। हम नहाए नहीं है, तो क्या हो गया? हम नहाए नहीं है, तो क्या हो गया? क्या हो गया? चलो भगवान को प्रणाम करते हुए वापस चलते हैं दोस्तों। तो अभी सुबह का 11:30 बज रहा है, सुहाना चली गई है स्कूल एग्जाम देने के लिए, आज लास्ट एग्जाम है सुहाना का ड्राइंग का। और अभी मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा था, सुबह सुबह उठ के नहा धो के हम लोग गए थे पूजा करने, जो कि आप लोग देखे ही। और अभी थोड़ा सा मैं सो रही थी वहाँ से आके, यहाँ पे बाहर में चंदन हल्ला करने लगे रहती ये आए और आते ही मुझे बोल रहे भाभी कितना मोटी हो गई है, सब लोग दुबले हो रहे हैं और भाभी मोटी हो गई। तो मैं पूछी कि कौन दुबले हो गए, बोल रहे चंदन, कहाँ दिखाओ कितना दुबले हुए हैं, बाप रे सच में दुबले हो गए हैं। चंदन बोले काला भी हो गया, फिल्टर लगा के फिल्टर नहीं लगता है यहाँ पे फिल्टर, ये आईफोन है, आईफोन सबका औकात दिखा देते हैं कि देखो कितना भी गोरे बन जाओ फिल्टर लगा के, बाकी हम रियल दिखा देंगे। यहाँ पे यज्ञ लग रहा है, मेला देखने आना, ठीक है?
सुहाना पापा एडिट कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं। क्या बातें हो रही है? ट्रैक्टर बिक गया। बिक गया हमारा घर का ट्रैक्टर? हमारा घर में ट्रैक्टर हम दिखाए थे कि नहीं कभी दोस्तों? पता नहीं, पता नहीं दिखाए होंगे कि देखिए पड़ा हुआ है। हाँ, जब घर में बंटवारा हुआ ना तो कोई रखना नहीं था ट्रैक्टर, तो फाइनली बेच दिए 5 लाख में। बिक गया? सोलह ढाई लाख रुपया। मजाक कर रही हूँ, मुझे मत सुनाइएगा प्लीज। सुना इनको सुना। तो मैं बोलती नहीं हूँ, ऐसे में मजाक में बोल दिए। बोलो। बोल रहे भाभी गोरी हो गई। दोस्तों अभी दोपहर हो रही है, दोपहर या दोपहर से कुछ ज्यादा टाइम हम आए थे कुछ प्रिंट आउट करवाने के लिए। वो MLA का मुखिया क्या किया पेपर है ना, बीमू करवाई थी वो हमारे फेसबुक पेज के लिए। होपफुली अगर वापस आ जाए तो देखते हैं उस पर कितना फ़ायदा होगा, अभी तो पैसा ही लग रहा है इसमें। लेकिन एक बार भी पेमेंट आ जाए तो फिर वसूल हो जाएगा। चलिए हो गया है काम, अब थोड़ा सब्ज़ी खरीदेंगे फिर घर चले जाएंगे। काफ़ी देर हो गया हम यहाँ आए हुए, ब्लॉगिंग देर से स्टार्ट किए। तो अभी भी मूल्य रही है सत्तू, इंडियन है कि ना, तो अभी कते में दे कते में दे हम 120 रुपया लगे आधे किलो 120 रुपया। तभी हम लोग ने सत्तू ले लिए है ना बीमू। सुहाना को पसंद है और अभी अच्छा भी होगा ना। सिर्फ सुहाना का पसंद नहीं है, सबको पसंद है, खुद को पसंद है, पापा को पसंद है, सुहाना का पसंद है। मैं तो चीनी के साथ घोड़ के खाती हूँ। मट्टी। आप खाएंगे नमक के साथ? हाँ, नमक नींबू काला मिर्च जा क्या काला नमक अजवाइन ये सब डाल के खाने में अच्छा होता है, टेस्टी लगता है। नींबू तो ले ले, मैं बोल देते आप नींबू ले लीजिए। चलो दोस्तों अब घर पहुंच गए हैं, पहुंचने ही वाले हैं। एक चीज आपको हम दिखाना चाहेंगे दोस्तों, देखिए किचन में कितनी नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ। आधा गिलास सुहाना को दिए है, सुहाना को लग रहा है सारा गिलास मम्मी ना पी जाए, बोले और दीजिए ना। ये सत्तू का शरबत आप लोग में से कितने लोग पिए है कमेंट में बताइए। अभी एक बार पी तो अच्छा लगा। पी लो। इसमें गुड़ डालते हैं ना तो ज्यादा हेल्दी होता है, लेकिन हम चीनी डाले हैं इसमें, गुड़ का थोड़ा टेस्ट अलग रहता है चीनी का अलग। और मेरा ख्याल है आपका ख्याल है, आप बोले अभी, आप तो बोले शॉर्ट वीडियो अभी शूट किए तो आप तो बोले कि मुझे नमक वाला चाहिए। तो कब दोगे मुझे? अभी बना दे रहे हैं। थैंक यू। ये थोड़ा चीनी वाला भी ट्राई कर लीजिए। नो थैंक यू। थोड़ा ट्राई कर लीजिए। नो थैंक यू। अच्छा नहीं लगा तो मत पीजिएगा। नो थैंक यू। तो दोस्तों आजकल हमारी ब्लॉग नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है आप लोग कमेंट कर रहे थे। देखिए हमारे यहाँ दिन रात ना शोर शराबा हाई हेलो होते रहते हैं ना, तो बहुत ही नॉइज है यहाँ पे, तो हम ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाते हैं। तो 4 दिन और है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए फिर हमारा रेगुलर ब्लॉग आएगा। अभी यहाँ पे हम भागवत गीता विष्णु कथा यज्ञ ये सब देखने में और पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, तो ब्लॉगिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये सब संपन्न होने दीजिए, फिर हम फिर से कम बैक करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा ये यज्ञ मंडप है, और जो कथा सुनाते हैं ना वो कथा वाला ये है, ये वाला है, आपको देखिए वहाँ पे जोर से बोलने वालों की बड़ी कीमती बात समझा रहा हूँ, कोई आता है तो मेरी पानी खत्म हो जाता है। यहाँ पे सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं भगवान जी को, और बच्चे पार्टी भी है, बच्चे पार्टी क्या होगा यहाँ से सभी लोग, हम भी प्रणाम करते हैं दोस्तों, और ऐसे परिक्रमा करते हैं 10 बार। चप्पल पहन के नहीं करना है तो मैं चप्पल ही पहन के आ गया, ये सब चप्पल खोल लिया, मैं चप्पल नहीं खोला, मैं तो चप्पल खोलना ही भूल गया था, मैं चप्पल खोल दी यहाँ पे। अब करेंगे परिक्रमा, वो लोग तो आगे निकल चुके हैं, हमें थोड़ा दौड़ना होगा दोस्तों। चलिए बोलिए प्यार से जय श्री राम, बम बम बोले राधे राधे, जय श्री कृष्ण बोलते रहिए मेरे साथ, और परिक्रमा कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए हाँ पहुँच गए, आखिर हम बड़े पाँव वाले हैं, ज़्यादा लंबा गज का हम। देखिए यहाँ पे अभी भी हो रहा है, यहाँ पे यज्ञ है शुरू, और वहाँ पे देखिए भगवान जी हैं। हाँ सना, अरे भुंटी को मारो मारो, भुंटी को मारो, भुंटी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हाँ चलो बोलो जय श्री राम, राधे राधे,
हम लोग 5 बार परिक्रमा करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम लोग ऐसे उल्टा परिक्रमा कर रहे थे, वहाँ पे एक बाबा जी उन्होंने बताया कि आप लोग उल्टा कर रहे हो, सीधा कर लो, तो हम अब सीधा कर रहे हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों घूम करके ऐसे परिक्रमा करके, आप सबको भी अच्छा लगे यही उम्मीद करते हैं। हमारा हो गया फाइनली, बीमू का भी हो गया ना। हाँ वेरी गुड। तो देख सकते हैं आप लोग बीमू बैठ गई है, उनकी पूरी महिला मंडली बैठ गई है, महिला बैठने का जगह है ये, सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब कथा सुनेंगे हम लोग, सभी लोग भगवान की कथा सुनेंगे। चलो दोस्तों आप लोग भी सुनिए, फिर मिलते हैं। आरती हो रही है दोस्तों, देखिए सभी भक्त जन सब हम सब मिलकर आरती कर रहे हैं अभी, और गाना सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, और देखिए कितने सारे लोग हैं, महिलाएं पुरुष सभी लोग हैं। उसके बाद जो यहाँ पे माखन का प्रसाद सबको दिया जा रहा था, तो हम सब भी माखन का प्रसाद ले लिए, इसमें मिश्री और क्या बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं उसको बुनिया, ये सब मिक्स था, तो हम सब ले लिए। और आइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए, और इसके बाद हम चलते हैं अपने घर, सो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो पूजा आजा था भजन कीर्तन सब सुन लिए हैं, अब यहाँ से हम चलेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।